नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीयों को लग्जरी लाइफ बहुत फैसिनेट करती है और अब देखिए वैक्सीनेशन को लेकर के भी एक लग्जरी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। लग्जरी होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हॉस्पिटल लाखों रुपया कमा रहे हैं, लाखों क्या कहें, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लग्जरी होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे अस्पतालों पर केंद्र सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है और सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को एक नोटिस भेजा है। इसमें ये कहा गया है कि अधिकारी उन होटल्स और अस्पतालों पर नजर रखें जो वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और नोटिस में ये भी कहा है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े होटल्स के साथ टाई अप कर लिए हैं और इसमें वैक्सीनेशन का पैकेज दिया जा रहा है। सीधे तौर पे ये गाइडलाइन का उल्लंघन है। अब आप ये भी जान लीजिए कि वैक्सीनेशन पे केंद्र सरकार की गाइडलाइन क्या है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन हो सकता है, कंपनियां अपने कर्मचारियों का ऑफिस में वैक्सीनेशन करवा सकती हैं और वैक्सीनेशन सेंटर दूर होने पर बुजुर्गों के लिए सोसाइटी में कैंप लगाया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत भवन, स्कूल और कॉलेज में अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। और आप देखिए कि होटल किस तरीके के पैकेज दे रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने वालों को, किस तरीके से वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। होटल अपने लग्जरी पैकेज में वैक्सीन लगवाने वालों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें रुकने की व्यवस्था है होटल में, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, डिनर है, वाईफाई का वाईफाई की व्यवस्था है और ये पैकेज लगभग 5,000 रुपये का बताया जा रहा है। इसका सोशल मीडिया पे काफ़ी विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इससे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया भी था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रही हैं, इसकी वजह से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन थम गया है, रुक गया है। सिसोदिया ने केंद्र से सवाल भी किया था कि जब केंद्र के पास राज्यों को देने के लिए वैक्सीन नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास स्टॉक कहाँ से आ रहा है। दिल्ली सरकार राज्य के सभी युवाओं का वैक्सीनेशन फ्री करवाना चाहती है। यदि इस काम के लिए राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन मिलना अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक डोज के 1,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं और ये अपने आप में सीधे सीधे गाइडलाइन का उल्लंघन है। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर कोई बड़ी कार्रवाई आपको सुनने को मिले। आप मेरे साथ बने रहिए। और एक और बात, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।